नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक 2। जनवरी 1921 में क्या हुआ, नॉन कॉरपोरेशन खलीफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो इसमें ना बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, और सबको को क्या चाहिए था, स्वराज। स्वराज बोले तो आज़ादी। तो स्वराज का जो मीनिंग था ना, हर कोई के लिए अलग अलग था। तो हमको यही देखना है कि टाउन्स के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये जो स्वराज का क्या मीनिंग था उन लोगों के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टाउन्स में। तो टाउन्स में ना मिडिल क्लास जो लोग थे वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पॉइंट। सबसे पहले क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लोग गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिए। ये लोग क्या किए, हेडमास्टर टीचर जो है वो लोग रिज़ाइन कर दिए। जो लॉयर जो था वो लोग अपना लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शंस जो था उसको लोग बाइकआउट करने लगे, सिवाय मद्रास में। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने स्टार्ट कर दिए। लिक्विड शॉप जो है मतलब दारू का दुकान जो है उसको, उसका एंट्रेंस वगैरह ब्लॉक कर दिए, और फॉरेन क्लोथ्स को जला दिए। तो ये सब के कारण क्या हुआ ना, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स हुआ। क्या हुआ इसके कारण, सबसे पहले क्या हुआ कि इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ जो था वो जस्ट हाफ हो गया। 1921 और 1922 के बारे में बात करें तो 1922 में पूरा हाफ हो गया, मतलब 102 करोड़ का लगभग फॉरेन गुड्स बाहर से इंडिया आता था, अब वो जस्ट 57 करोड़ हो गया। और क्या हुआ कि मर्चेंट ट्रेडर्स ये लोग जो है ना अब रिफ्यूज करने लगे ट्रेड करना, किसमें, फॉरेन गुड्स में। बोले हम लोग को फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करना। अब क्या हुआ कि लोग जो है ना वो डिस्कार्ड करने लगे फॉरेन क्लोथ्स को। बोले कि भैया हम लोग जो है ना सिर्फ इंडियंस क्लोथ्स पहनेंगे, जो इंडिया में बनता है वही कपड़ा पहनेंगे, बोले तो खादी पहनेंगे। सही है। तो इससे हुआ क्या कि प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में। लेकिन 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 कुछ तो जरूर हुआ होगा यार। तो इससे क्या हुआ ना, ये जो आंदोलन इतना तेजी से उड़ा था ना, ये उतना तेजी से गिरा भी। क्योंकि ना ये जो खादी था ना भैया, ये खादी हाथ से बनाया जाता था, और क्योंकि ये हैंडमेड था इसलिए ये ना बहुत महंगा था, और फॉरेन क्लोथ्स जो है ना वो मिल में प्रोड्यूस किए जाते थे तो वो लोग बहुत सस्ता थे। तो जो गरीब लोग थे ना वो लोग खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत महंगा था वो। तो उनको वापस से क्या करना पड़ा कि फॉरेन क्लोथ्स को ही पहनना पड़ा। सेकेंड जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूशनल जो है ना बहुत ही अभी सेटअप नहीं हुए थे उस हिसाब से कि लोग जो है सो जाके इंडियन इंस्टीट्यूट में काम करेंगे, बहुत ही टाइम था उसको आने में। तो वापस से टीचर स्टूडेंट जो है ना वो वापस से जाना स्टार्ट कर दिए वही ब्रिटिशर्स का जो स्कूल्स कॉलेजेस था ना उसमें से। लॉयर जो है वापस से जाके जो है सो गवर्नमेंट कोर्ट में ज्वाइन कर लिए। तो अब हम देखते हैं कंट्री साइड मतलब गांव वगैरह में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। तो यहाँ पे हमें एक किसान के बारे में देखना है और एक आदिवासी के बारे में देखना है, मतलब ट्राइबल पीपल के बारे में। तो जो किसान थे उनके लिए जो है ना ये जो आंदोलन था वो था किसके लिए, तुलबदार्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए। क्यों भैया, क्योंकि ये लोग जो है ना तुलबदार और लैंडलॉर्ड्स ये लोग हाई रेंट चार्ज करते थे, और ये लोग क्या करते थे, बेगार कराते थे। बेगार मतलब क्या होता है कि काम तो करवाएंगे लेकिन भैया पैसा वैसा नहीं देंगे। तो किसान लोग को मौका मिल गया, बोला कि बेटा रुको बताते हैं। तो ये लोग क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया किसके लिए, तुलबदार्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए। इनका डिमांड था कि भैया सुनो, पहले नंबर एक रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कम करो सबसे पहले। सेकेंड बेगार का एवोल्यूशन करो, नहीं चाहिए हम लोग को बेगार, मतलब काम भी कराओगे और पैसा भी नहीं दोगे, क्या चल रहा है भाई। थर्ड था कि भैया ये लोग क्या करते थे कि ये लोग चाहते थे कि सोशल बाइकॉट हो, किसका, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। जो लोग लैंडलॉर्ड जो हमें दबाते हैं ना उनका बाइकॉट करेंगे हम लोग। तो ये लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट किए भैया। प्रोटेस्ट कैसे किए, तो बहुत सारे प्लेसेस में ना ये लोग क्या किए, वॉशरमैन का, बारबर का, ये सब सर्विस प्रोवाइड नहीं करने स्टार्ट कर दिए, मतलब बंद कर दिए। किसको, लैंडलॉर्ड को, बोले कि हम लोग नहीं देंगे, बाल वाल हम लोग काटेंगे ही नहीं तुम लोग का। और क्या हुआ कि तुलबदार्स और मर्चेंट्स का जो है ना घर वगैरह में अटैक स्टार्ट हो गया, ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए। और थर्ड ये है कि बाजार वगैरह को लूटने स्टार्ट कर दिए। तो अक्टूबर 1920 में क्या हुआ कि ओद किसान सभा जो है वो सेटअप किया गया। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों मिलके क्या किए, ओद किसान सभा को सेटअप किए। तो बाबा रामचंद्र जो है ना वो लीडर थे, किसान लोगों का लीडर थे बाबा रामचंद्र। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि भैया और कौन कौन से ग्रुप्स थे जो कि नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए। धन्यवाद।